मौसम बदन पे सितारे लपेटे हुए और वो स्वेटर अब क्या नहीं है मेरे पास। तू भी चले जाना मेकअप का सामान लेने के लिए। क्यों और कौन जा रहा है? तू तो मुझसे ही फुकता है काले बैगन। ओए तू लड़के की बेइज्जती मत किया कर हमारे। यहाँ से तू जानती नहीं है इसका फ्यूचर। पता है इस नंबर का फ्यूचर घर में टूटी लगाने में ही एमबीए करेगा। ओए शहराज समझा ले इसे, लड़की है इसलिए शर्म कर जाता हूँ मैं। क्यों पे काले डमरू, लड़का तो क्या कर लेता। बैठ जा यार बैठ जा, शांति रख ले। ओए तो चुप नहीं हो सकता। ये देख रही है मार मार के सारा मेकअप उतार दूंगा एक बार मैं। अबे गांड ना फुला मार। काले तो हुए छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे यार छोड़ दे छोड़ दे क्या छोड़ दे मर जाएगा साला मेरे हाथ से। छोड़ समझा दी उसके बाप को उसके घर से काले डमरू कम ना हो जाए। साली मर जा छोड़ दे साली मेरे को बोल रही है मार लग रही है देखिए से। अब रो क्यों है, तू भी तो चौधरी बनना था शक्ति। हाँ ये तो है, लड़कियों को कम नहीं समझना चाहिए आजकल। क्यों हम लड़के या चुप? नहीं नहीं चुतिया पूरा बोल लेना। चलो छोड़ो बना दे। नहीं बनना मुझे कुछ नहीं बनना। अरे लड़कियों को कमजोर भी समझेंगे और वो भी इस जैसी बच्चे खाने वाली डायन को लड़के गुंडों की तरह। नहीं बोल रहा है नहीं बोल रहा, तू शांत बैठ शांत बैठ। शाम को घूमने जाना ना, मेकअप करेगी ना, सुंदर सुंदर मेकअप करेगी ना, बहुत सुंदर लगती है ना। मेकअप कर तैयारी कर शाम को घुमाना। और ज्यादा बहुत लगा खूब दबके अपने बाप की सरकार समझ। ये साली मेरा खर्चा बिटवाएगी। भाई ये क्या कलेश पाल रखा है तूने अपनी जान को। अरे यार इसने दुखी कर रखा है, विमेन एम्पावरमेंट के आर्टिकल पढ़ पढ़ के बुद्धि खराब कर रखी है। 24 घंटे आर्टिकल पढ़ते हैं विमेन एम्पावरमेंट के। जी तो मेरा ऐसा करता है कूट दू पकड़ के, पर साली ने जूडो कराटे सीख रखे है, मारेगी मुझे। काम तो सीखेगी नहीं वरना लड़कों को जवाब कौन देगा। अबे ओ मेकअप पोत के खड़े होने वाले मर्द, या पंचायत में झाड़ उसकी। अगर ये लड़के पंगे लेंगे तो जवाब भी मिलेगा। तेरे अंदर जो ये मर्द जाग रहे ना दबा दे इसे। हम लड़कों को ना रोमांस के लिए लड़कियां चाहिए, दंगल में कुश्ती करवाने के लिए मुस्टंडे नहीं खड़े करने। चल निकल यहाँ से ब्यूटी पार्लर और सब पाउडर लिपस्टिक चल। हाँ चल जा रही हूँ लेकिन तू याद रख विमेन एम्पावरमेंट। बाकी आप विमेन एम्पावरमेंट की फोन आ रहा है। हेलो हेलो हाँ हेलो हाँ बेबी मेरा टीवी ला रही हूँ 20,000 का अपनी कमाई से। तेरी कौन सी जॉब लग गई? बेबी मैं ला रही हूँ 29 इंच का, शाम को ना बैठ के प्यार से खमोना प्यार देखूंगी। दुकान उकान तो लूट ली थी मैं, मोहल्ले में हफ्ता वसूली शुरू कर दी। जान तुम वो सब छोड़ो, टीवी देखने से मतलब रखो, मैं आ रही हूँ शाम को टीवी लेके। और टीवी आ रहा है मेरी कंचन डार्लिंग टीवी लेके आ रही है। वो कौन सा पैसा कमा रही है और उसकी कौन सी जॉब लग गई? यार तेरे को तो पता है मेरी बंदी डॉन है, मेरे दबंग साहब टीवी ला रहे होंगे तो किसी की मार कुटाई करके ही ला रहे होंगे। अब कंचन दादा के नाम से हफ्ता वसूला जाएगा मोहल्ले में। मोहल्ले के एक लड़के चुन्नू का फोन आता है जो पहले गुंडागर्दी किया करता था। हाँ हेलो। पिछली बार वो जो मैंने तेरे दोस्तों से और तेरी बंदी से 2,000 रुपए लिए थे ना, उसके चक्कर में तेरी बंदी ने बहुत मारा है मुझे, मेरे 20,000 का टीवी ले गई घर से उठा के। बेटे इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, नारी से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अब गुंडों से अब तरह की हमारी गुंडी फोन बजाए, इस वाला सीन है फिर रॉन्ग नंबर शॉर्ट हुआ डायरेक्ट।